अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। आज जो है ना, मेरा प्लान था तम्मत के साथ जाने का आइकिया। असल में आज जो है ना वीकेंड था, संडे का दिन था, तो बहुत पहले से ही हमने प्लान किया हुआ था। तम्मत को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी कुछ, और तम्मत ने मुझे बहुत पहले से बोला हुआ था ना, तो ये होता है कोई साथ होता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। और इस तरह की जगह पर जहाँ पर आपको आइडियाज़ मिलते भी हैं और साथ में कोई ऐसा हो जो आइडियाज़ दे भी ना। यहाँ पर मैं आइकिया आ गई हूँ और तम्मत अंदर वेट कर रही है मेरा। अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत अर्ली मॉर्निंग थी तो हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। मैंने भी सिर्फ चाय पी हुई थी, बहन ने भी। तो सुबह ना बस हम लोग ने छोटा सा अपना एक कहते ना एक आसरा हो जाए उसके लिए हमने किड्स मील ले लिया था, तो बस एक हमने शेयर कर लिया था। उसके बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया था। अच्छा, आइकिया में ना यहाँ पर मेजरिंग टेप्स, पेंसिल्स और राइट करने के लिए ना ये सब कुछ मौजूद होता है ताकि बहुत आसानी हो जाए। और जिस तरह आज हमें शॉपिंग करनी थी ना, तम्मत को स्पेशली अपने बेटे के रूम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मेजरमेंट्स वगैरह उसने ऑलरेडी ले ली थी। अब यहाँ पर क्या करना था, उसने कुछ फर्नीचर देखना था, कुछ चीज़ें देखनी थी, तो उसको मेजर करना ये सब करना, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग। अच्छा, आइकिया में ना ये बेस्ट चीज़ है कि छोटी छोटी जगहों को ना इतना अच्छा सा बना देते हैं, मतलब इतने अच्छे आइडियाज़ होते हैं ना, कंफाइंड स्पेसेस को भी बहुत अच्छे से सेट कर देते हैं। ये देखें, और मुझे तो वैसे भी कोजी कोजी से रूम्स इतने अच्छे लगते हैं ना, मुझे बड़े बड़े घर और बड़े बड़े रूम्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मुझे इस तरह के छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ना सैरा ने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई, कभी कभी हम बच्चों से भी सीखते हैं। सैरा ने मुझे कहा कि जो आइकिया है ना, वो वहाँ पे कोई विंडोज़ वगैरह इस तरह की कुछ भी नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा ऐसा क्यों है मम्मी, तो मैंने कहा कि आई हैव नो आइडिया, आप मुझे बताओ। तो कहती है कि जहाँ पर जिस जगह पर विंडोज़ होती हैं और बाहर नज़र आ रहा होता है आसमान और सब कुछ, तो वहाँ पर लोग ना ज़्यादा जल्दी शॉपिंग करके बस निकलते हैं, लेकिन जहाँ पर विंडोज़ वगैरह नहीं होती, इस तरह की स्पेसेस होती हैं, तो काफ़ी आवर्स यहाँ पर गुजारते हैं और शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। ये तो सारी बेबीज़ की चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत यूज़ की हैं जब बच्चे छोटे थे, अभी भी हैं कुछ, लेकिन अब मैं इन सबको निकालूंगी। ये भी पहले थोड़े डार्क कलर्स में आते थे, अब थोड़े पास्टल्स कलर में आते हैं। मेरे दोनों बच्चों को ना ये इस तरह के स्टफ टॉयज इतने ज़्यादा पसंद होते हैं, आई थिंक प्लशीज कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। और अमीलिया का तो ऐसा एक स्टोरी बुक भी है, तो उसको तो वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा ये। खैर, मैं अभी लेने नहीं वाली, यहाँ आके हर चीज़ इतनी अट्रैक्ट करती है। मेरे जो दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह से, अब वो बड़े हो गए हैं, तो यहाँ से मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी देख रही हूँ अगर कुछ मिल जाए तो। वो सैरा की बात मुझे याद आ रही थी, यहाँ पे एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ था, हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन खैर हमें बहुत सारे काम भी थे और बहुत सुकून से हमने शॉपिंग करी। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रूम लगा मुझे अभी तक का, और मुझे यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिले इंशाल्लाह सैरा और अमीलिया के रूम के लिए, क्योंकि मुझे उन लोग का भी रूम भी इवेंचुअली चेंज करना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये बेड ना मुझे बहुत अच्छा लगा, एक थोड़ा सा इसमें जो है ना मुझे डाउनफॉल ये लगा कि काफ़ी हाई था। और ये जो ये बेड है ना, ये मेरी बहन देख रही थी अपने बेटे के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए ना आइकिया, तो हमने शुक्र अदा किया कि हम आके हमने देख लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेड हिल रहा था, बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं था। अच्छा, अमीलिया जो है ना पेन करती है, तो बच्चों के लिए ये एप्रन्स होने चाहिए, मैं सोच रही हूँ ले लूँ अम्मूजानी के लिए। मैंने लास्ट टाइम जो है ना ये लिया था ये पेंट्स, और ये बहुत अच्छे चले हैं, अभी तक अमीलिया इसको चला रही है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छे हैं। और मैं एप्रन ले रही हूँ अमीलिया के लिए, ताकि जब वो पेंट करे ना तो कपड़े ना ख़राब हों। बाकी ये चॉक्स हैं, पता है बच्चों को, दोनों को माशाल्लाह से इतना ज़्यादा शौक है ना, आई थिंक सारे बच्चों को होता है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को शौक है, विच इज़ रियली गुड, आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। मेरे बच्चों के रूम में जो ये वाली है ना, ये बहुत अरसे रही हैं,
और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अभी तो मैंने निकाल दिया है इसको, ये थोड़ा सा मैसी लुक आता है जब इन रोज़ में चीज़ें रखी हुई होती हैं ना, तो थोड़ा सा मैसी लुक आता है मुझे ऐसा लगता है। मुझे अब इस तरह की अच्छी लगती है, मैं प्रेफर करती हूँ तो इस तरह की, या तो फिर ये जो क्लोज होती है ना, मतलब जिनमें नज़र नहीं आ रहा होता, इस तरह की। तो अभी तो खैर मुझे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे अमीलिया के लिए ना ये लेनी है। ये तो रॉकिंग तो नहीं है, लेकिन ये आई थिंक रॉकिंग चेयर है, ये लेनी है अमीलिया के लिए। ये सोफ़ा कितना क्यूट है। यहाँ पर अब हम लोग अपने सेक्शन में आ गए हैं और ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, एक तो किचन का और ये। ये लाइट्स अच्छी लग रही है ना, आई मीन मिरर। ये साइड टेबल भी नाइस है, मुझे एक्चुअली साइड टेबल चाहिए, सिंपल सी, नथिंग टू मच। अच्छा अभी तक की जो बेस्ट चीज़ है ना वो मुझे ये नज़र आई है, लेट मी शो यू। इस तरह के डोर खुलते हैं एंड ये देखें कितनी ज़्यादा स्टोरेज है, बिकॉज यहाँ तो हमें स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम होती है ना। कितना अच्छा है ना तुम्हारा, वेरी नाइस। मुझे जो है ना ये शू स्टोरेज भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर ड्रो है एंड यहाँ पर इस तरह से ये टोटल 12 पेयर्स आ जाएंगे। तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई मीन पिक्चर ले लिया सॉरी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तो आप लोग मेकअप वगैरह शूट कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है, तमत ऑन करो। लुक, यहाँ पर रिंग लाइट भी है और ये होल्डर भी है, दिस इज़ सो नाइस। अगर मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स करती ना तो मैं डेफिनेटली ज़रूर लेती। स्टार्ट कर, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं सोच रही हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर आई हूँ ना तो मैं सारी चीज़ों की पिक्चर्स ले रही हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके जो इस तरह की बॉटल्स होती हैं ना वो भी हैं मेरे पास, मैंने आप लोगों को दिखाया था दैट वन, ये वाली है मेरे पास। ये जूस मिल्क वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि डेफिनेटली मैं ये लूँगी। और यहाँ पर स्टोरेज बॉक्सेस हैं विद लिड्स। अच्छा ये जो वुडन लिड्स होती है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे पास नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि ये भी ले लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर जो है ना मुझे स्विंग मशीन नज़र आई और मैंने सोचा आप लोग से एक बात शेयर करती हूँ। इट्स बिन लाइक 2-3 ईयर्स, बहुत अरसा हो गया है। मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा है वो जो प्रॉपर सिलाई होती है ना, प्रॉपर मेरा मतलब ये है कि वो जो एक बेसिक हम लोग के कपड़े होते हैं ट्रेडिशनल शलवार कमीज़ होती है वो लोग जो है ना घर में बैठ के खुद भी सीते हैं। तो मेरा पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है वो सीखने का सिलाई और वो जो कटिंग होती है वो, एंड एटलीस्ट एक दो मैं अपने कपड़े खुद बनाऊं। आई डोंट नो व्हाई लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल है और मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कोर्स वगैरह करूँ। अच्छा यहाँ लंदन में तो मुझे नहीं पता कि मुझे कोई इस तरह का कोर्सेज करने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने सोचा है जब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाऊँगी ना तो मैं ज़रूर करूँगी। अच्छा मेरी अम्मी को भी आते हैं इस तरह के ना, तो अम्मी सीते तो नहीं हैं लेकिन अम्मी को कटिंग वगैरह और सिलाई का पता है। तो मेरा आजकल बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखते हैं। अच्छा मुझे ना यहाँ पर ये एक बॉटल नज़र आई, ये जो है ये छोटी सी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी, अभी तो मैंने नहीं ली लेकिन ऑनलाइन मैं डेफ़िनेटली ऑर्डर करने वाली हूँ और फिर आप लोग साथ शेयर करूँगी। असल में यहाँ पर हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने बाहर और इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स कैरी करना ना फिर प्रैक्टिकल नहीं होता, तो ये बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड मैंने आप लोग को पहले भी बताया था पानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर तो आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो बहुत 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 ज़्यादा पानी पिए। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग सब कुछ शॉपिंग वगैरह करके अब हम लोग टिल पर जा रहे थे पे करने के लिए और माशाल्लाह से एक दो चीज़ें मुझे मिली हैं, मैं आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी एक साथ सारा आइकिया का हॉल जब मेरी ऑनलाइन चीज़ें भी आ जाएंगी। यहाँ पर ना हम लोग फूड हॉल आ गए थे एक दो चीज़ें लेने के लिए बच्चों के लिए, अब बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है ना, मतलब हम इतना दिन पूरा दिन ही सारा दूर थे। अच्छा जो मेरे बच्चे थे वो मेरे हस्बैंड देख रहे
रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे. और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि आई थिंक यू शुड गो बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया. मैं भी नहीं गई थी, मेरा अपना कोई टाइम ही नहीं हुआ था तम्मत के साथ. तो यहाँ पर आज हमारा सारा ही दिन हो गया था और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया. उसके बाद हम लोग इधर बैठ के सोच रहे थे कि हम लोग क्या खाएं, क्योंकि हमने लिटरली सुबह से कुछ नहीं खाया था, हम लोग इतने ज़्यादा भूखे हो रहे थे ना. तो फिर रॉयल नवाब एज़ यूजुअल हमारा एवर फेवरेट, तो वो करीब में था. तो हमने कहा जब करीब में रॉयल नवाब है तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है, लेट्स गो. तो हम लोग वहाँ पर चले गए थे और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से इन्जॉय किया. एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के बगैर एक अपना टाइम मिल जाता है. ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के साथ मज़ा नहीं आता, यहाँ पर भी हमने बच्चों को बहुत मिस किया. लेकिन जब एक वो अपना टाइम मिलता है ना, सुकून से बैठ के हम लोग बातें कर लेते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. तो यहाँ पर आज ऐसे ही दिन था हमारा, मेरा और तम्मत का आज मी टाइम था कम्प्लीटली, जो हमने बाहर स्पेंड किया और अपनी मर्ज़ी से स्पेंड किया. यहाँ हमने अपना खाना फिनिश कर लिया था, उसके बाद बारी थी मीठे की और हमारा एवर फेवरेट, आप लोगों को पता है खीर पूरी मेरा कितना फेवरेट है. आज पता है क्या हुआ, आज ना एक कोइंसिडेंस हुआ, जैसे ही मैंने खीर पूरी फिनिश की ना खाकर, तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है उसका मैसेज आया, उसने अपने घर में खीर पूरी बनाई हुई थी और उसने मुझे पिक्चर सेंड की और उसने कहा ये लीजिए हुमा आपकी खीर और पूरी. और मैं इतनी हैरान हुई ना, मैंने उसको ये वीडियो सेंड की और मैंने कहा कि देखो अभी अभी मैं खीर पूरी खाकर बैठी हूँ, थैंक यू सो मच. मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना, वो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, वो मेरी फ्रेंड भी हैं, और आप लोग जो इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए. तो बस यहाँ पर अब मैं थक हार कर घर जा रही हूँ. मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा. अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़. इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.